दोस्तों, यूं तो मुस्लिम इन्वेडर्स का भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी से ही शुरू हो गया था और लगभग 800 सालों तक आधे भारत पर मुस्लिम राजाओं का ही शासन रहा। लेकिन दोस्तों, इस 800 साल के दौर में एक ऐसा कालखंड भी आया था जिसमें ये देश फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता था। एक छोटी सी लापरवाही या फिर अति आत्मविश्वास कह ले, जिसकी वजह से यह मौका हिंदुओं के हाथ से निकल गया। इस लापरवाही को अंजाम दिया था हेमो ने, जिसे हेमो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम हेमो की जिंदगी के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर जीत की दहलीज पर पहुंचे हेमो ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा और अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हेमो का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में हुआ था। हेमो बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा था, इसलिए बचपन से ही उसने पंसारी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। इसके कुछ समय बाद उसने गन पाउडर में इस्तेमाल आने वाले साल्ट पीटर को बेचने का काम शुरू किया। हेमो के इस साल्ट पीटर का सबसे बड़ा खरीदार उस समय शेरशाह सूरी था। दरअसल इस साल्ट पीटर का इस्तेमाल तोप के गोलों में बारूद के रूप में होता था। हाल ही में हेमो ने तोप की ताकत को जाना था। लगभग 5 साल पहले बाबर की 25,000 की सेना ने इब्राहिम लोदी की 1,00,000 की सेना को इसी तोप से हराया था। इसके कुछ समय बाद शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य पर हमला बोल दिया और चौसा और कन्नौज की लड़ाई में मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया। ये जीत भले ही शेरशाह सूरी की रही हो, लेकिन इस जीत में अहम रोल निभाने वाली तोपें हेमो की ही थी, जो उसने पुर्तगालियों से खरीद कर शेरशाह को सप्लाई की थी, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी हेमो से बहुत प्रभावित हुआ था। इसके कुछ समय बाद ही शेरशाह सूरी की मौत हो गई और उसका बेटा इस्लाम शाह शासक बन गया। इस्लाम शाह के राजा बनते ही उसने हेमो को दिल्ली के मार्केट का प्रमुख बना दिया। इसके बाद इस्लाम शाह ने उसे खुफिया विभाग का प्रमुख भी बना दिया। इसके कुछ सालों बाद ही इस्लाम शाह की भी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसके 12 साल के बेटे फिरोज शाह को राजा बना दिया गया। लेकिन उसके राजा बनने के 3 दिनों के भीतर ही उसके चाचा आदिल शाह सूरी ने उसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। हालांकि उसका ध्यान राज्य की समस्याओं पर कम और अपने भोग विलास में ज़्यादा रहता था, लेकिन हेमो ने आदिल शाह का पूरा साथ दिया और उसे 22 लड़ाइयों में जीत दिलवाई। इसकी वजह से आदिल शाह ने हेमो को राज्य का प्रधानमंत्री और सेना का प्रमुख बना दिया। फिरोज शाह की हत्या होने की वजह से सूर साम्राज्य में विद्रोह हो गया था। इस वजह से सूर साम्राज्य 4 हिस्सों में टूट गया और इस टूट का फायदा उठाकर हुमायूं, जो कि ईरान और काबुल में मारा मारा फिर रहा था, उसे एक और मौका मिल गया। उसने मुगल सेना को इकट्ठा किया और दिल्ली में धावा बोल दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि दिल्ली और आगरा फिर से हुमायूं के कब्जे में आ गए। लेकिन इस जीत के 6 महीने बाद ही हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं की मौत की खबर सुनते ही हेमो ने सैनिकों को इकट्ठा किया और बयाना, इटावा, संबल, कालपी और नारनौल को एक झटके में जीत लिया। हेमो के हमले की खबर सुनते ही आगरा का गवर्नर लड़ाई किए बिना शहर छोड़कर दिल्ली भाग गया। इसके बाद हेमो ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। मुगल सेनाएं दिल्ली के बॉर्डर पर बसे एक गांव तुगलकाबाद में हेमो को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 1,000 हाथियों और 51 तोपों के साथ हेमो ने इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना एक दिन भी नहीं टिक पाई। हेमो ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वो दिल्ली का राजा बन गया। उसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। इस खबर को सुनकर अकबर बहुत दुखी हुआ। उस समय वो जालंधर में था और वो दिल्ली पर हमला करने का प्लान बनाने लगा। हेमो को इस बात की भनक लग गई थी कि मुगल अब भी उस पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। उसने मुगलों को देश से भगाने का तय कर लिया था। इससे पहले कि मुगल उस पर हमला करें, उसने मुगलों पर पहला हमला करने की रणनीति बनाई। इससे पहले कि अकबर दिल्ली आता, उसने अपने सेनापति अली कुली खान को दिल्ली भेज दिया। हेमो का एक तोपखाना डिवीजन बहुत कमजोर सुरक्षा में कहीं भेजा जा रहा था। संयोगवश ये पूरा तोपखाना अली कुली खान के रास्ते में आ गया और उसने पूरे तोपखाने पर कब्जा कर लिया। इससे हेमो को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद 5 नवंबर 1956 को हेमो की मुगलों के साथ पानीपत में लड़ाई शुरू हो गई। अकबर और बैरम खां इस युद्ध को 8 किलोमीटर पीछे से देख रहे थे और मुगल आर्मी का नेतृत्व बीच में अली कुली खान साइबानी, लेफ्ट में अब्दुल्ला खान उज्बेक और राइट में सिकंदर खान उज्बेक कर रहे थे, जबकि हेमो खुद युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। वो बीच में अपने हाथी हवाई के ऊपर बैठे थे, जबकि उनके लेफ्ट में उनकी बहन के बेटे राम्या और राइट में शादी खान
कक्कर कर रहे थे। हालांकि हेमू के तोपखाने पर पहले ही मुगलों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी हेमू का हमला इतना जबरदस्त था जिससे मुगल सेना के लेफ्ट और राइट फॉर्मेशन तहस नहस हो गए और सेंटर फॉर्मेशन पर उन्होंने अपने हाथियों और घोड़ों की मदद से हमला कर दिया। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। 24 लड़ाइयां जीत चुके हेमू ने कोई भी सुरक्षा कवच नहीं पहना था और ना ही कोई हेलमेट पहना था। शायद उन्हें इस बात का यकीन था कि वे इन सब के बिना भी जीत सकते हैं। जीत जब बिल्कुल करीब ही थी तभी मुगल सेना का एक तीर उनकी आंख के अंदर घुस गया, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने इस तीर को खींचकर बाहर निकाला और एक कपड़े से अपनी आंख को ढककर युद्ध करने लगे, लेकिन खून इतना बह चुका था जिससे हेमू बेहोश होने लगे। तभी मुगल सेना ने देखा कि एक हाथी बिना किसी महावत के इधर उधर फिर रहा है। उन्होंने अपनी आर्मी से एक महावत को उस हाथी को चेक करने के लिए भेजा। जब महावत ऊपर चढ़ा तो उसने उसके हौदे में एक घायल व्यक्ति को पड़े हुए पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो घायल शख्स और कोई नहीं बल्कि हेमू था। ये देखकर हेमू की सेना भाग खड़ी हुई। महावत उस हाथी को हाँक कर अकबर और बैरम खान के पास ले गया। बैरम खान ने 13 साल के अकबर को हेमू का सर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन कहा जाता है कि अकबर ने हेमू को मारने से इनकार कर दिया था और इसके बाद बैरम खान ने ही हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद हेमू के सर को काबुल भेज दिया गया और उसके शरीर को दिल्ली के गेट पर टांग दिया गया। इसके बाद मुगल अफसर पीर मोहम्मद ने अलवर में हेमू के परिवार को बंधक बना लिया और हेमू के पिता को इस्लाम में कन्वर्ट होकर अपनी जान बचाने का एक मौका देने की बात कही, लेकिन हेमू के पिता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पीर मोहम्मद ने हेमू के पिता की हत्या कर दी। हालांकि इस बीच हेमू की पत्नी वहां से भागने में कामयाब हो गई थी। दोस्तों, शायद उस समय हेमू ने कवच और हेलमेट पहनकर अगर युद्ध किया होता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हम हर हफ्ते ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।